नमस्कार जय श्री राम राधे राधे मैं पंच बहादुर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंच बहादुर वन में सो so, फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एम ए प्रीवियस और एम एस प्रीवियस का एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है तो एग्जाम फॉर्म को शुरू से लेकर अंत तक कैसे भरना है आइए हम आप लोगों को बताते हैं <laughs> तो आप सभी को अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और गूगल पर लिखना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा देखिए आप जो है देख रहे ऊपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी तो आपको सबसे पहले वाले आइकन पर क्लिक करना है जहाँ पर लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा उसके बाद आपको जो है बेहतर देखने के लिए यदि आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो बेहतर देखने के लिए आपको अपने मोबाइल की थ्री डॉट पे यहाँ पे जो है क्लिक करना है जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सामने कुछ इस प्रकार से देखिए उस, उसके बाद ए, इस तरह दिखाई देगा तो आपको डेस्कटॉप साइड के चेक बॉक्स पे क्लिक करना है उसके बाद आपको जो है लैपटॉप की तरह आपके स्क्रीन शो करने लगेगी अब उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा तो आपको नीचे आ जाना है जैसे आप नीचे आएंगे फर्स्ट कॉर्नर पे देखिए यूनिवर्सिटी कॉर्नर दिया है तो इसको स्क्रॉल करके आपको और नीचे आना है जैसे आप और नीचे आते हैं देखिए स्टूडेंट कॉर्नर है देखिए स्टूडेंट कॉर्नर है ना तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा उसके बाद नीचे नोटिफिकेशन में देखिए दिखाई देगा देखिए लिखा है कॉलेज फेल एग्जामिनेशन फॉर्म बी ए सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर बी एस सी सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है इस प्रकार से खुल के आए कुछ तो आपको देख रहे हैं इसमें तमाम दिया है तो आप देखिए सबसे ऊपर ही दिख जाता है यहाँ पे फिर एग्जामिनेशन फॉर्म एम एस एम एस सी एम कॉम फर्स्ट ईयर रेगुलर स्टूडेंट जिसकी लास्ट डेट अट्ठाईस फरवरी है ठीक तो आपको इस पर क्लिक करना है आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा तो यहाँ पर आपको जो है अपना यू आई एन नंबर लिख देना है यहाँ पर यहाँ पर अपना डेट ऑफ़ बर्थ लिख देना है डेट ऑफ़ बर्थ लिख के आपको जो है चलिए हम भर लेते हैं तो हमने अपना यू आई एन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर लिया है उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे ठीक जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा देखिए सबसे ऊपर देख दिखाई दे रहा है पोस्ट ग्रेजुएट ये हमें प्रीवियस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है इनका देखिए और देखिए कॉलेज का नाम दिखाई दे रहा है चंद्र भानदेव विश्व महाविद्यालय प्रतापपुर से तो ये यहाँ कुछ सिक्योरिटी रीज़न के लिए हमने जो है डिटेल्स को हाइड कर दिया है यहाँ पे इनका यू नंबर है स्टूडेंट टाइप रेगुलर है स्टूडेंट नाम है ये सब देख सकते हैं आप आपको दिखाई देगा जो कि यू में पहले से ही फिल रहेगा वो सब अपने आप ले लेगा ठीक ले देखिए स्टूडेंट का एड्रेस वगैरह सब कुछ है नीचे देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है देखिए जो है प्रीवियस ईयर डिटेल्स जो पहले से यू एन भरा है वो यहाँ पर शो करेगा ठीक तो आपको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके आना है जैसे आप देखिए और थोड़ा नीचे आते हैं देखिए है आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं देखिए है यहाँ पे उसके सबसे नीचे बस सब ऑलरेडी फिल रह गए सब लेकिन आपको बस यहीं पे देखिए जहाँ सब्जेक्ट जो आपका है जहाँ चेक बॉक्स बना है यहाँ पर तो इसी चेक बॉक्स पे आप सबको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद जो है सभी सब्जेक्ट जो है शो होने लगते हैं देखिए और सब में ऑप्शनल नहीं देता है लेकिन ये सोशियोलॉजी एम में प्रीवियस में जो है यहाँ पे देखिए जो है इन्हीं तीनों में से जो हैं विचारक हैं लोग देखिए कार्ल मार्क्स हैं मैक्स बार, -बार हैं इमाइल इमायलरखीम हैं तो जो भी आपके कॉलेज में लागू है जो चल रहा हो इन सब पेपर में से एक पेपर चूज कर लेना है उसके बाद टिक कर देना है जो पेपर आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और नीचे देखिए एन एस एस का ऑप्शन दिया हुआ है देखिए एन एस एस यदि आप एन एस एस कर रहे हो तो यस कर सकते हैं अगर यस करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नो करके आप सबमिट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो उसके बाद नो या यस करने के बाद आपको जो है नीचे देखिए सबमिट का बटन दिखा दिखाई दिखा देगा आपके यहाँ इस सबमिट पर क्लिक करना है आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा जहाँ आपसे कहता है एक पेमेंट करना है तो एम ए प्रीवियस और एम एस सी प्रीवियस का बारह सौ दस रुपये पेमेंट है तो आप अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं जैसे आप पेमेंट करते हैं आप सामने जो है आपका कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा आपको उसको प्रिंट पी डी सेव करने लेना है उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में जमा करवा देना है तो हम जो है अभी पेमेंट नहीं करना चाहते हैं बस वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए बनाए थे तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स ऑल ऑफ यू